इस लेक्चर को आप वॉच फॉर लेटर में जरूर डाल लीजिए, बहुत आपकी नॉलेज गेन होगी। एक ही राग में आप ये प्रेजेंटेशन कहीं भी दे सकते हैं। सा 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 सा, दिस इज कॉल्ड यूनिएशन। 1 2 3 1 2 3, ऐसा लग रहा है जैसे ताल और सुर का एकीकरण हो गया हो। सा 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 रे गा पा नी रे नी दा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज आपके समक्ष राग शिवरंजनी बेस सॉन्ग्स ऑफ आदरणीय रफ़ी साहब। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैं काफ़ी लेक्चर्स रफ़ी साहब के डाल चुका हूँ, तो मैंने क्या सोचा दोस्तों, मैं रफ़ी साहब की एक प्लेलिस्ट बना दूँ। तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जितने भी रफ़ी साहब के फ़ैन्स हैं उस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। देखिए, राग मालकोस बेस सॉन्ग्स हों चाहे राग दरबारी बेस सॉन्ग्स हों, तो आपने हर एक को इतना प्यार दिया, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन आज मैं जो राग ले रहा हूँ वो बहुत ही खूबसूरत राग शिवरंजनी है, और उस पर रफ़ी साहब के ड्यूएट सॉन्ग्स भी हैं और सोलो सॉन्ग्स भी हैं। तो वो सारे गीत आज आपको इस ही लेक्चर में सुनने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे और जानने को मिलेगा कि क्या वो पहलू है इस राग का जिससे मिश्र शिवरंजनी हो जाती है, और क्या वो मूल तत्व है जिससे ये राग शिवरंजनी पर आधारित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो लेक्चर को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आए तो दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा। तो शुरुआत करता हूँ दोस्तों इस नायाब राग पर आधारित गीत प्रोफेसर मूवी 1962 आवाज़ देके। ये राग देखिए दोस्तों, शंकर जयकिशन जी ने काफ़ी प्रयोग की है। आज मैं 3 रचनाएं उनकी बताऊंगा। जब टॉप 10 सॉन्ग्स में बता रहा था तो काफ़ी लोग नाखुश थे मेरे से कि मैंने शंकर जयकिशन जी की रचनाएं क्यों नहीं इंक्लूड की। देखिए, ये जो लेक्चर था ये मेरे खुद के इमोशंस थे। मैं कोई तुलना नहीं कर रहा कि मदन मोहन जी बहुत महान है, शंकर जयकिशन जी कम महान है। ये मेरे इमोशंस हैं, और इमोशंस सब्जेक्टिव होते हैं। आपके हो सकते हैं शंकर जयकिशन जी के सारे गाने ही टॉप 10 के हों, तो वो मेरा इमोशन था। मैं किसी को बड़ा या किसी को छोटा साबित करने का मेरा प्रयास नहीं था, लेकिन शंकर जयकिशन जी को भी मैं उतनी रिस्पेक्ट देता हूँ जितनी मदन मोहन जी को देता हूँ, तो उनके भी मैं आगे रचनाएँ आपसे शेयर करता रहूँगा। आवाज़ दे के हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। अब ये सताओ शब्द बहुत नोट करने वाला है। अब रफ़ी साहब ने इसमें लता जी से बिल्कुल ही अलग गाया है। आप जानते हैं रफ़ी साहब और लता जी के जो ऑर्नामेंटेशंस थे वो अलग होते थे। क्यों ये शिवरंजनी है? प द स ध स स रे ग ग ग रे सा ध स रे 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 ग रे सा ध ध प ग रे सा रे ग रे ग रे सा सा नि ध प। अब इस चीज़ को आप लिपिबद्ध नहीं कर सकते। न हमको सताओ, इसको आप नोटेशन कैसे लिखेंगे, है ना? जबकि लता जी की गायकी की नोटेशन लिख सकते हैं, न हमको सताओ करे सारे सदा सदपा। जबकि रफ़ी साहब, न हमको सताओ, या फिर न हमको सताओ, मींड का प्रयोग है और निषाद से पंचम की तरफ आ रहे ये हमारे रफ़ी साहब हैं। आगे अंतरा देखिए, झपताल का प्रयोग हुआ है इसमें, और हसरत जयपुरी साहब की लिरिक्स। मैं सांसों के हर तार में रहा हूँ, मैं धड़कन के हर राग में बस रहा हूँ। सो आप देखिए, इसमें मध्यम का प्रयोग है जिससे मिश्र शिवरंजनी होती है। सगरे सगरे पापा पध पग मागर सा सगरे सगरे। जरा दिल की जान निगाहें झुकाओ, मोहब्बत में इतना न
ना हमको सताओ, आवाज दे के हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना ना हमको सताओ। तो ये पहला गीत था झपताल पर आधारित, शंकर जयकिशन जी की महान रचना। सो आई होप आपको पसंद आया और पता चला कि क्यों ये मिश्र शिवरंजनी हो रही है। और झपताल का प्रयोग देखिए अब, धी ना धी धी ना धी ना धी धी ना, आवाज दे के हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत हमको सताओ। सम तो इस प्रकार आप इस गीत को निभा सकते हैं। तो दूसरे नगमे की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ, ड्यूएट सॉन्ग है दोस्तों, मूवी आई थी अनजाना 1969, आनंद बख्शी साहब की कलम से, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की स्वर रचना से, रिम झिम के गीत। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी राग शिवरंजनी का प्रयोग है, लेकिन कोमल धैवत से देखिए आप थोड़ी, आप कह सकते हैं कि थोड़ा और रोमांस लाने के लिए इसमें कोमल धैवत का विवादी रूप में प्रयोग हुआ। कैसे? रफ़ी साहब के आलाप से ये गीत प्रारंभ होता है। रिम झिम के गीत सावन गाए, हाय भीगी भीगी रातों में। आप देखिए, पापा धा दसा धपा गरे सरे गपा गरे सा, सो रिम झिम के गीत सावन गाए, हाय भीगी भीगी रातों में। सुंदर चीज कौन सी लगती है मुझे इस गीत की? हाय, दो खटके हैं और इमीडिएटली मींड है, हाय भीगी भीगी रातों में। तो ये दूसरा गीत है दोस्तों शिवरंजनी पर आधारित, आई होप आपको पसंद है। तो अब मैं सोलो सॉन्ग्स की तरफ आपको लेके चलता हूँ दोस्तों। 1966 से शुरुआत करूँगा मैं, मूवी आई थी सूरज, उसमें हसरत जयपुरी साहब की शब्द रचना थी और हमारे शंकर जयकिशन जी की रचना थी। शिवरंजनी का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग अगर किसी म्यूज़िक डायरेक्टर ने किया है तो वो हमारे शंकर जयकिशन जी थे। देखिए, मैंने शिवरंजनी बेस सॉन्ग जब मुकेश जी के बता रहा था उसमें भी आप देखिए काफ़ी सारे गीत शंकर जयकिशन जी के थे, और मैंने एक अलग से लेक्चर भी बना रखा है, राग शिवरंजनी बेस सॉन्ग्स ऑफ शंकर जयकिशन जी, ये ज़रूर देखना। इन सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए, और भी जो लेक्चर्स इससे रिलेटेबल हैं उन सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए। तो आप इस गीत को कैसे भूल सकते हैं दोस्तों, 1966 में फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था हमारे रफ़ी साहब को। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। दोनों गंधार का साथ प्रयोग है इसमें, मध्यम का लाग भी लिया गया। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, महबूब आया है। पापा दसा सारे मगरे रे गे सा ध दसा रे मगरे रे रे सा सारे गे गे सा। हवाओं राग निगाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। 1 2 3 1 2 3 दादरा ताल का प्रयोग हुआ, जो कि फेवरेट ताल भी था शंकर जयकिशन जी का। वॉल्ट्स बीट जिसको मैं कहूँगा, दादरा का वेस्टर्नाइज्ड वर्जन वॉल्ट्स बीट का बहुत अच्छा प्रयोग की। जो नेक्स्ट गीत लूँगा मैं इसका, इसके बाद वो भी वॉल्ट्स बीट पर ही आधारित है। बहरहाल इसका अंतरा देखिए आप, क्या खूबसूरत तरीके से
हमारे हसरत जयपुरी साहब ने लिखा है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, इन प्यारी आँखों में, पूरी शिवरंजनी। पापा धा गगा, पापा धा गगा, करे गरे सा सा धा, धा गरे गरे सा सा। ये पूरी नोटेशन आप देखिए शिवरंजनी की है कि नहीं। सो पापा धा गगा, पापा धा गगा, गरे गरे ससा धा धा गरे गरे ससा। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की दोस्तों मूवी सूरज से ये गीत। सो जो मैं फोर्थ सॉन्ग ले रहा हूँ आज इस लेक्चर में, ये सॉन्ग से भी हमारे रफ़ी साहब को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था 1969 में मूवी ब्रह्मचारी 1968। तो इस गीत को हम कैसे भूल सकते हैं दोस्तों। देखिए आप, कम स्वरों का प्रयोग लेकिन बहुत ही प्रभावशाली। कौन सा गीत? दिल के झरोके में तुझको बैठा कर, यादों को तेरे मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं दास। सा 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 रे गा पा, सा 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 रे गा पा, धा 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 पा गा गा रे, गा 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 रे गा रे सा सा। दिल के झरोखे में तुझको बैठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊदा। वही 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 धाधी ना धाती ना, हमारा देसी दादरा और वॉल्ट्स बीट इसको वेस्टर्नाइज करके ऑर्केस्ट्राइजेशन का एक बहुत ही ज़बरदस्त एलिमेंट डालकर इसका म्यूज़िक तैयार किया गया दोस्तों। अंतरा देखिए तार सप्तक में कैसे जाता है, ये ई माइनर मतलब तीसरे सफ़ेद पर रफ़ी साहब ने गाया है, वहीं से मैं प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूँ। कल तेरे जलवे पर आए भी होंगे लेकिन लेकिन महक मेरे सांसों में होगी। देखिए कोमल निषाद का विवादी प्रयोग। कल तेरे जलवे पर आए भी होंगे लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी, फूलों की डोली में होगी तू रुखसत लेकिन महक मेरे सांसों में होगी। सो नी 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 धा धा पा, नी 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 धा धा, गा 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 रे रे सा, गा 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 रे गा रे सा सा। दिल के झरोखे में तुझको बैठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊदास। ये देखिए आप गीत की सुंदरता। तो सा 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 सा, दिस इज कॉल्ड यूनिएशन 1 2 3 1 2 3, ऐसा लग रहा है जैसे ताल और सुर का एकीकरण हो गया हो। सा 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 रे गा पा, दिल के झरोखे में तुझको बैठा कर, यादों को तेरे मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊदास। हमने देखिए इसमें कोमल नी का विवादी प्रयोग देखा, आगे रिमझिम के गीत जब बता रहा था कोमल धा का विवादी, दोनों गंधार का प्रयोग बहारों फूल बरसाओं में मैंने आपको बताया, और जो पहला गीत बता रहा था आवाज़ देके उसमें मध्यम का विवादी प्रयोग देखा। तो ये विवादी स्वरों का प्रयोग सुंदरता बढ़ाने के लिए गीतों में हमारे समय समय पर होता रहा है। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक और गीत की तरफ मैं अब आपको लेके चलता हूँ। मदन मोहन जी की रचना है, 1964 में मूवी आई थी गजल। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं,
सी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। पाद सारे गागा करे मगा गारे गरे सासा सारे रे रे गा पा 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 गा धा पा पा गा गरे गा गरे सासा सारे सदा गरे गरे सासा सा सो करो किसे पेश करो। इसमें भी पूरी शिवरंजनी दिखती है। तो ये पांचवा गीत मैंने बताया आपको गजल मूवी से। छठे गीत की तरफ भी आपको मैं लेके चलता हूँ दोस्तों। 1960 लाल किला मूवी आई थी, आपको ध्यान होगा, जिसमें हमारे SN त्रिपाठी जी का संगीत था। तो उसमें आलाप के रूप में देखिए शिवरंजनी के स्वरों में कैसे रफ़ी साहब की आवाज़ को पिरोया गया। अब ये अनिबद्ध गायन है दोस्तों, इसमें कोई ताल नहीं है। अगर आपने मेरा ये वाला लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा। न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ। स्वर देखिए आप। सारे गारे गारे रे सा सारे रे रे रे, न किसी के दिल का करार हूँ। अब इसमें तीव्र मध्यम का विवादी प्रयोग। न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना सके, मैं वो गुबार हूँ। न किसी की आँख का नूर हूँ। तो ये पूरी शिवरंजनी है। हरे गा पा 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 निधा सा निधा मा पा मा धा पा गा रे सा 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 रे गा रे सा रे रे रे। आगे अंतरा देखिए। मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, जो चमन खिजा से उजड़ गया, मैं उसी की फसलें बहार हूँ। न किसी की आँख का नूर हूँ। तो ये छह गाने मैंने आपको बताए, ये आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। ये पूरा जो राइट अप आप देख रहे हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी नॉलेज के लिए, आपकी नॉलेजेबल डेटाबेस को बढ़ाने के लिए, जो कि संगीतमय आपकी जो नॉलेज है बढ़ाने के लिए आप फ्री टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के गीत मैं अपने बॉलीवुड सॉन्ग्स में सिखाता रहता हूँ। ज़रूर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कीजिए और हमारी जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना मत भूलिएगा, क्योंकि धीरे धीरे मैं अपग्रेड करता हुआ उस पर भी आपके लिए नए नए कोर्सेज ला रहा हूँ। थैंक यू सो मच। ओम शांति।